दोस्तों, क्या आपके भी मन में कभी यह सवाल आया है कि आखिर हम जिस यूनिवर्स पे रहते हैं वह यूनिवर्स कितना पुराना है और इसका अंत आखिर कहाँ होता होगा? यह सवाल बेहद ही पेचीदा और मिस्टीरियस है। कोई भी नहीं जानता कि यह ब्रह्मांड कहाँ खत्म होता होगा। 16th सेंचुरी के लास्ट तक साइंटिस्टों ने पूरे विश्वास के साथ यह कहना शुरू कर दिया था कि यूनिवर्स अनंत है और हमारे अर्थ जैसी इसमें कई दुनिया बसती है। साइंटिस्टों ने यूनिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड किया है, ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स और अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। तो चलिए अब हम यह जानते हैं कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है क्या। यह हमारे यूनिवर्स का वह पार्ट होता है जहाँ की लाइट्स अर्थ तक पहुँच चुकी है। हमारा अर्थ मिल्की वे गैलेक्सी में है। इस गैलेक्सी को पार करने में ही लाइट्स को 1,00,000 साल लग जाते हैं, जबकि लाइट्स 3,00,000 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है। साइंटिस्टों ने मिल्की वे गैलेक्सी की तरह अरबों गैलेक्सी को डिस्कवर किया है जो कि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का पार्ट है। इस तरह अनुमान है कि यह यूनिवर्स 46.3 बिलियन लाइट ईयर्स तक है। इट मीन्स अगर हम लाइट की स्पीड से यात्रा करें तो 46.3 बिलियन ईयर्स बाद इस यूनिवर्स से निकलकर उस जगह जा सकते हैं जहां आज तक कोई भी नहीं गया होगा और ना ही उसे देखा होगा। GNZ-11 नामक गैलेक्सी अब तक की डिस्कवर की गई सबसे दूर गैलेक्सी मौजूद है, जो कि 13.4 बिलियन लाइट ईयर दूर है। बहुत समय पहले एक बार कुछ ऐसा हुआ कि इस गैलेक्सी का स्टार फट गया था और उसका लाइफ 13 बिलियन ईयर पहले चला था और यह अर्थ पर 2009 में पहुंचा। तो कुल मिलाकर यह है कि अगर हम यूनिवर्स का अंत किलोमीटर में नापे तो यह कुछ इतना किलोमीटर होगा, यानी 4.63 × 10^23 किलोमीटर है। और जरूरी नहीं है कि इसके बाद यूनिवर्स का अंत हो जाए, हो सकता है उसके बाद दूसरा यूनिवर्स स्टार्ट हो। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया जानने और सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। और अगर आपके पास इस टॉपिक से कोई भी क्यूरी हो तो नीचे कमेंट करें।